हाल ही में फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी हुई और इनकी शादी पर इंडस्ट्री से कई सारे लोगों ने जमावड़ा लगाया, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, फराह खान हो, ये सभी लोग नजर आए थे इंजॉय करते हुए, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हुए। बट शादी के बाद फरहान अख्तर की वाइफ शिबानी दांडेकर ने सोशल मीडिया पर मिसेज अख्तर लिखकर अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया था, जिसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी जब उन्होंने मिसेज अख्तर अपने प्रोफाइल में ऐड किया था। देखिए आपको दिखाती हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने मिसेज अख्तर लिखा है, लेकिन अचानक से आखिर क्यों शिबानी ने मिसेज अख्तर हटा दिया अपने प्रोफाइल से, और इसी बारे में हर तरफ सोशल मीडिया पर जो है वो चर्चा हो रही है। वेल, सभी को बता दूं कि शिबानी और फरहान की शादी को लेकर फैंस में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अख्तर फैमिली ने शिबानी को बड़े ही दिल से स्वीकार किया, बड़े ही दिल से उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में शबाना आजमी के एक रिसेंट पोस्ट को शेयर करते हुए शिबानी ने अपनी मदर इन लॉ को भी काफ़ी एक्नॉलेज किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया उनकी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अब जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से नाम हटा दिया है, जी हाँ आपको दिखा देती हूँ ये तस्वीर भी, एक तरफ आप ऊपर देख सकते हैं मिसेज अख्तर लिखा है और दूसरी तरफ नीचे उन्होंने मिसेज अख्तर जो है वो रिमूव कर दिया है। फैंस ये जानना चाह रहे हैं आखिर ऐसा क्यों, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम में अभी भी शिबानी दांडेकर अख्तर रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं फैंस को ऐसा लगा कि शायद शादी के दो दिन बाद ही इनके बीच चीज़ें खराब हो गई हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लोज सोर्सेज ने इस बात को कन्फर्म किया है। आपको इस बारे में क्या है कहना बताइएगा जरूर।